हम लोग जो है वो क्लास में डिस्कस कर रहे थे टिश्यू कल्चर के बारे में। ठीक है, अभी आज क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि टिश्यू कल्चर के बारे में, कि भाई ये टिश्यू कल्चर आखिर है क्या चीज़ और किस तरीके से हम या क्या कौन से मेथड यूज़ करके हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये कि न्यू प्लांट बनाने का तरीका होता है, एक माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है, कि जो ये प्लांट है इसके क्लोन्स तैयार किए जाते हैं। ये जो प्लांट है, ये तो ट्री मैंने बना दिया, लेकिन ये जो प्लांट होता है उसी के छोटे छोटे प्लांट्स बनाए जाते हैं, जिससे क्या करें हम, बड़ा बड़ा प्लांट ग्रो हो और मेच्योर हो जाए। खैर ये प्लांट तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप समझ लें प्लांट ही है ये। ओके, तो इस स्टेप्स को माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। ये मैंने क्लास में आपको नहीं बताया था, तो आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, इस स्टेप को माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन यानी कि टिश्यू कल्चर टेक्निक से जो हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं या जो हम प्लांट्स मेच्योर करा रहे हैं, उसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। ठीक, और अच्छा उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसके बाद हमने स्टार्ट करा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस चीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है भाई, फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है, फ्लावर्स में। अच्छा, अब फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे जो हमें याद करने होंगे। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको पहले ही लिखवा दी है कि डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डिफरेंस जो होता है सेक्सुअल में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको रिविज़न क्लास में ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जब हम फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो आज मैंने आपसे बोला था कि आपको फ्लावर का फिगर बना लें, तो आपने क्लास टाइम में ही बना लिया था। ऐसे इस तरीके का होता है फ्लावर का फिगर भाई, बहुत ज़्यादा तो टफ नहीं होता है। इस पार्ट को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, पूरे कलेक्टिवली मिला करके इसको क्या कहा जाता है। जैसे मैंने अगर फिगर यहाँ पे बना दिया, जिन लोग को क्लियर नहीं है कि फ्लावर की फिगर में क्या होता है, वो दोबारा एक बार देख लें और क्लियर कर लें, और जिनका क्लियर है वो भी दोबारा एक बार देख लें ताकि उनका कंठस्थ हो जाए। कंठस्थ का मतलब होता है कि दिमाग में छप जाए, वो भूले नहीं, है ना। तो ये जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जिनको कहा जाता है सेपल। ठीक है, तो ये जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, एक ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो कलेक्टिवली इनको मिला करके हम क्या कह देते हैं, कैलिक्स। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। और ये जो पकड़ने वाला है फ्लावर का, ये जो पकड़ने वाली चीज़ है फ्लावर की, ये वाला पोर्शन, ये इसको कहा जाता है स्टॉक। यहाँ जहाँ पे ओवरी होती है उसको कहा जाता है रिसेप्टिकल। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि कलर्ड पार्ट जो होता है फ्लावर का, ये वाला, ये वाला, ये वाला सिंगल को कहा जाता है पेटल। ठीक है, सिंगल को पेटल कहा जाता है, लेकिन कलेक्टिवली अगर हम मिला करके कह दें तो सबको कहा जाता है कोरोला। अच्छा अब कोरोला की बात हो गई, सेपल कैलिक्स की बात हो गई, है ना। अब हमें ये देखना है कि फ्लावर में अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर फ्लावर में इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इसको कहा जाता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसको कहा जाता है फीमेल पार्ट और इसको कहा जाता है मेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट का एक और नाम है जिसको कहा जाता है कार्पेल और पिस्टल, और ये जो मेल वाला पोर्शन था इसका एक और नाम है जिसको स्टैमन कहा जाता है। बाकी एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये तो आपके हायर लेवल के हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं या ट्वेल्थ लेवल के हैं, तो अगर उसको आप ना भी जाने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको क्लास टाइम में बताया हुआ था कि जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, फ्लावर का मेल पार्ट ऑफ फ्लावर जो होते हैं उनको कहा जाता है, एक तो कह दिया हमने स्टैमन, ठीक है, दूसरा चीज़ हमने कह दिया इसको एंड्रोशियम कहा जाता है, ANDROECIUM एंड्रोशियम कहा जाता है, और फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का उसको कहा जाता है गाइनोशियम, NOECIUM, और इसको कहा जाता है कार्पेल और इसको कहा जाता है पिस्टल। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब एंड्रोशियम गाइनोशियम जो है वो तीन चीज़ से मिलकर के बना होता है, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल और ये होता है ओवरी। ठीक है, ये हो गया आपका एस्पोर स्टिग्मा, ये होता है आपका एस्पोर स्टाइल और ये होता है आपका ओफर ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है अभी आप जान लें कि ये जो ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ये, इसको ओव्यूल कहा जाता है। ठीक है, और इस ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, और ओवरी से बनता है आपका फ्रूट। ठीक है, ये जो पोर्शन बना हुआ है ना, इसको ये ओवरी होता है, ठीक, और ये ओवरी के अंदर जो होता है वो ओव्यूल होता है। ठीक है,
अच्छा अब क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप देखते रहें क्या है, जो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी है मैंने। एक है आपका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक होता है आपका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं कह दूं कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीज़न होता है उसको माइटोसिस कहा जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैंने माइटोसिस और मियोसिस दोनों पे आपको वीडियो बना करके सेंड कर दी थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है, अगर मैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को कर दूँ RIPRODUCTION, ठीक है, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कह दिया कि भाई ये मियोसिस है, MEIOSIS, तो मियोसिस कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैंने मियोसिस और माइटोसिस का कंसेप्ट आपको वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। एक नया टर्म है जिसको कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस, ये आपके लिए न्यू टर्म है, ये एक जिसको कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि ये एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, और ये होता है इन्वर्टिब्रेट्स में, ठीक। पार्थेनोजेनेसिस होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, और ये किस में होता है, इन्वर्टिब्रेट्स में। इन्वर्टिब्रेट्स में पार्थेनोजेनेसिस की एक प्रोसेस होती है, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो इंसेक्ट्स में और जो एंट्स में होता है, ठीक। एक पॉइंट आपका ये भी हो सकता है कि फिजन जो होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, फिजन जो है वो मल्टी सेलुलर में एबसेंट होता है, फिजन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एबसेंट होता है, ठीक। अच्छा अब मैं कह दूँ अगर आपसे कि ये जो फ्लावर हमने बनाया हुआ था, ये देखें फ्लावर जो बनाया हुआ है हमने, ये मेल पार्ट है इसका, और इधर वाला पोर्शन जो है ये वाला, ये फीमेल पार्ट है। अगर मेल पार्ट एब्सेंट है या कोई एक पार्ट एब्सेंट है, तो हमने इसको कह दिया कि ये फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उसका एग्जांपल होता है पपाया, वाटरमेलन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल होता है पपाया, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल होता है वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकम्बर। वाटरमेलन, पम्पकिन और कुकम्बर, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के, जिसमें एक ही पार्ट होता है। बायसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं, जिसमें ये वाला पार्ट एंथर स्टिग्मा ये भी होता है, और मेल और फीमेल स्टिग्मा स्टाइल ओवरे ये भी होता है, तो ये किस में होता है, हिबिस्कस में होता है, ठीक। ये किस में होता है, सनफ्लावर में होता है। ये किस में होता है, रोज में होता है। ये किस में होता है, लिली में होता है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके वो बाई सेक्सुअल फ्लावर के हैं, कि बाई सेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या होता है, किस में बाई सेक्सुअल फ्लावर होते हैं। आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है फ्लावर में। एक होता है आपका पॉलिनेशन, ठीक है, एक होता है आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाएं, पॉलिनेशन क्या होता है भाई, पॉलिनेशन इसका क्या मतलब होता है कि ये जो एंथर था इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स थे, ठीक है, ये जो एंथर इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये एंथर से स्टिग्मा के पास आ रहे हैं, उड़ करके आ गए, हवा के थ्रू आ गए, इंसेक्ट्स के थ्रू आ गए, हमने खुद करा दिया, कुछ भी करा दिया, तो ये जब उड़ करके यहाँ पे आ करके डिपॉजिट हो गया, तो इसी को कहा जाता है पॉलिनेशन, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन पॉलिनेशन की क्या हो जाएगी, अगर मैं कहूँ कि सिंपल डेफिनेशन आप पॉलिनेशन की बता दें, तो आपको बताना होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉलिनेशन को पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन एक ही चीज़ें नहीं है, अभी बस उड़ करके आया हुआ है पॉलन ग्रेन्स, तो हमने उसको कहा है पॉलिनेशन, ठीक। एक चीज़ आप, और जब फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, यानी कि मेल गैमेट फीमेल एग के साथ फ्यूज होगा फ्लावर की, तो उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये आपको पता है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। और ये भी आपको पता है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, एंजियोस्पर्म में होती है। अभी मैंने क्लास में आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म में होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं आप, ये जो फ्लावर होता है ये मॉडिफिकेशन ऑफ शूट होता है, ठीक है। ये जो फ्लावर है ये होता क्या है असल में, ये मॉडिफिकेशन होता है शूट का। फ्लावर जो होता है ये मॉडिफिकेशन होता है, किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है, शूट का मॉडिफिकेशन होता है, बड का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई। और अच्छा एक चीज़ और आप ये देखो कि मैं कह दूँ अगर कि नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सेपल है ये नॉन एसेंशियल पार्ट है और जो ये पेटल है वो नॉन एसेंशियल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि ये जो पेटल्स हैं ये कलर्ड क्यों होते हैं, ठीक है। ये जो पेटल्स हैं ये कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनको अट्रैक्ट करना होता है इंसेक्ट्स को, इसीलिए ये क्या होते हैं, पेटल्स कलर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो पॉलिनेशन हमने कहा था कि एंथर जो है उड़ करके स्टिग्मा के पास आ रहा है, तो ये कितने टाइप्स का होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये तो हमने देख लिया। लेकिन इसके टाइप्स देख लें तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है सेम काइंड ऑफ प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, सेम प्लांट में हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट प्लांट में हो रहा है पॉलिनेशन, लेकिन स्पीशीज सेम होने चाहिए। कमल का एंथर जो है वो रोज़ के एंथर पे अगर चला भी गया या स्टिग्मा पे चला गया तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा, तो वो स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये भी दो तरह का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन भी जो है वो दो तरह का होता है। दो तरह का मतलब कि या तो हम सेम फ्लावर में कर दें, ठीक है, और या तो डिफरेंट फ्लावर कर दें सेम प्लांट में। सेल्फ पॉलिनेशन जो है एक तो हो सकता है आपका सेम फ्लावर में, ठीक, और दूसरा पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इस डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे ये फ्लावर है, सपोज दैट ये जैसे प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट में क्या है, ये फ्लावर है, यहाँ पे एंथर स्टिग्मा जी हैं, यहाँ पे उड़ के गए, ये पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। ये उड़ के गए, यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया, ये सेम फ्लावर में है। लेकिन अब क्या हुआ कि डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट में, जैसे कि एक प्लांट था, प्लांट के पास यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, और एक प्लांट के पास यहाँ पे फ्लावर है, तो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, जीटनोगैमी। और जब सेम फ्लावर के, सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे होता है तो उसको कहा जाता है ऑटोगैमी, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का हो गया, एक आपका हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, देखें दो तरह का हो गया, एक तो हो गया आपका ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो, एक तो आपका हो गया ऑटोगैमी, ठीक है, और दूसरा कौन सा गैमी हो गया, जीटनोगैमी। ऑटोगैमी और दूसरा कौन सा हो गया, जीटनोगैमी। जीटनोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब होता है सेम फ्लावर के, सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे, और जीटनोगैमी का मतलब होता है सेम फ्लावर के, प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे। जैसे एग्जांपल ऑटोगैमी का हो गया पी हो गया, वीट हो गया, जीटनोगैमी का हो गया ऑक्सैलिस, ठीक। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब तो वही होता है, डिफरेंट प्लांट ऑफ बट सेम स्पीशीज। अच्छा भाई ये जो पॉलिनेशन हो रहे हैं उनको कंडक्ट कराने का काम कौन कर रहा है, तो एजेंट्स कहा जाता है उनको, ठीक है। सबसे पहला एजेंट कौन हो गया, वाटर। वाटर में एंथर गिर गया, उड़ बह करके गया, दूसरी जगह पे पहुंचा, तो वहां से हवा चली या कुछ हो गया, वहां से फ्लावर के पास एनी हाउ पहुँच गया, तो पहली एजेंसी हो गई वाटर। इसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। जो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है उसको कहा जाता है हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली,
ठीक है, जो पॉलिनेशन बर्ड के थ्रू हो रहा है उसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। ठीक, जो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, उसको कहा जाता है एंटोमोफिली। जो पॉलिनेशन हवा से होता है उसको क्या कहा जाता है, एनिमोफिली। ठीक है, और जो पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होता है, एनिमल्स के पंजे में वो चिपक करके एंथर इधर उधर चले गए, ऐसा कुछ इस तरह का हुआ अगर, तो उसको कहा जाता है जूफिली। एनिमल के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको कहा जाता है जूफिली। तो यानी कि हमारे पास पॉलिनेशन एजेंसी कितने हो गई, एक हो गया आपका वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली, एक हो गया आपका बर्ड के थ्रू, और ऑर्निथोफिली एक होता है आपका इंसेक्ट के थ्रू, एंटिमोफिली और एक होता है आपका विंड के थ्रू, एनिमोफिली और एक लास्ट वाला आपका होता है एनिमल के थ्रू, जिसको कहा जाता है जूफिली। एनिमल के थ्रू जो हो रहा है उसको जूफिली कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक टर्म ये भी देख लें, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन सबको पता ही है क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं स्टिग्मा पर